कैसे हो आप सब लोग बच्चों? कोविड-19 का डिसीज चल रहा है ना, कहीं बाहर मत जाना, घर पे ही सेफ रहना। तो चलिए, तो बच्चों आज हम हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। कौन सा सब्जेक्ट? हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने हिंदी सब्जेक्ट में क्या पढ़ा था बच्चों? प्रीवियस क्लास में हमने हिंदी सब्जेक्ट में बड़ी ई की मात्रा को पढ़ा था। बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है? यह है बड़ी ई की मात्रा, इसको हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। इससे आने वाले सारे व्यंजन अक्षर और इस बड़ी ई की मात्रा से आने वाले सारे शब्दों को हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे छोटी ऊ की मात्रा। तो ये प्रीवियस क्लास में बड़ी ई की मात्रा, ई के बाद कौन सा अक्षर आता है? बड़ी ई के बाद ऊ, छोटी ऊ आता है। तो छोटी ऊ की मात्रा आज पढ़ेंगे। छोटी ऊ की मात्रा क्या होती है, कैसी होती है, उसके अक्षर कैसे होते हैं, उसके शब्द कैसे होते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। क्या है छोटी ऊ की मात्रा? छोटी ऊ की मात्रा का प्रयोग आज हम करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो छोटी ऊ की मात्रा, तो बच्चों छोटी ऊ की मात्रा कैसी होती है? यह है छोटी ऊ की मात्रा। क्या है बच्चों? छोटी ऊ की मात्रा है। तो अगर हम किसी भी व्यंजन अक्षर पर छोटी ऊ की मात्रा लगाए तो वो क्या बनता है बच्चों? तो देखिए, यह है व्यंजन का पहला अक्षर क। क पर हम इस मात्रा, ये क्या है? छोटी ऊ की मात्रा है। इस मात्रा को हम क पर लगा देंगे तो क्या बनता है बच्चों? कु, का कु, का गया, का पे छोटी ऊ की मात्रा कु, कु। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे व्यंजन अक्षरों पर छोटी ऊ की मात्रा लगाकर उसको दोहराएं। तो चलिए, क ह ग ह निया। ठीक है, च छ ग झ निया, ट ड य द न। ठीक है, तो चलिए अपन अभी है सारे अक्षर व्यंजन के अक्षर और है बच्चों, यहाँ पर मुझे ज्यादा नहीं है इसीलिए मैंने सिर्फ 25 अक्षर 15 अक्षरों को लिखा है, 15 व्यंजन अक्षरों को लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, इन अक्षरों पर इस छोटी ऊ की मात्रा को लगाएंगे तो देखेंगे वो क्या बनता है। तो ऊ की मात्रा क्या है? यह है छोटी ऊ की मात्रा। इस मात्रा को हम इन सारे अक्षरों पर नीचे की तरफ लगाएंगे। तो ख पर छोटी ऊ की मात्रा लगाए तो क्या बनता है? कु। ख पर छोटी ऊ की मात्रा लगाए तो क्या बनता है? खू। ग पर छोटी ऊ की मात्रा लगाए तो क्या बनता है? गु। घ पर छोटी ऊ की मात्रा घु, न्या। च पर छोटी ऊ की मात्रा चु, छ पर छोटी ऊ की मात्रा छु, ज पर छोटी ऊ की मात्रा जु, झ पर छोटी ऊ की मात्रा झु। ठीक है, फिर ट, ट पर छोटी ऊ की मात्रा टू, ख पर बड़ी ऊ की मात्रा थू, ड पर बड़ी ऊ की मात्रा डू, ध पर बड़ी ऊ की मात्रा धू, न पर बड़ी ऊ की मात्रा नू। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या किया, सारे व्यंजन अक्षरों पर इस छोटे ऊ की मात्रा को यहाँ पर लगाया, तो क्या बन गया? जैसे काका गगना क्या बना? कु थू घु घुन, कु कु घु घुन, छु छु झु झुना, टू टू डू डू नो। ठीक है, ऐसे तरीके से, इसी तरीके से हमको पढ़ना है छोटी ऊ की मात्रा से आने वाले सारे व्यंजन अक्षरों के शब्द। ठीक है, तो चलिए अब ये हमने पढ़ लिया, तो अब हम पढ़ेंगे शब्दों और मात्राओं को अलग करके लिखो। शब्दों और मात्राओं को अलग करके लिखना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक शब्द दिया होता है, उस शब्द पे
हमें क्या करना है, अलग करके लिखना है, जैसे अक्षर अलग और मात्राएं अलग अलग करके लिखना है। तो चलिए, तो पहला है चुन, क्या दिया है यहाँ पे, चुन। फिर दूसरा है गुलाब, दूसरा है गुलाब, ठीक है। चुन, चुन को कैसे लिखेंगे, अब हम चुन इस शब्द को अलग करना है, तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले क्या है अक्षर है च, अक्षर च को लिखेंगे, अक्षर च, फिर अक्षर च पर मात्रा है, कौन सी मात्रा है, छोटी उ की मात्रा, अक्षर च पर छोटी उ की मात्रा है, तो इस मात्रा को लिखेंगे छोटी उ की मात्रा, फिर अक्षर ना, अक्षर ना, ना लिखेंगे, तो बन गया चुन। इस अक्षर को हमने, शब्द को हमने क्या किया है, अलग करके लिखा है, यानी कि अक्षर और मात्राओं को अलग अलग करके लिखा है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो चलिए दूसरा, दूसरा क्या है, शब्द गुलाब शब्द है, इस शब्द को अलग करेंगे, तो पहला अक्षर है या मात्रा है, अक्षर पे नीचे मात्रा है, तो हम क्या करेंगे, पहले अक्षर लिखेंगे, क्योंकि अक्षर के बाद नीचे मात्रा है, अक्षर ग, ग को लिख लेंगे, ठीक है। फिर क्या दिया है, छोटी उ की मात्रा है, छोटी उ की मात्रा को लिख लेंगे, तो फिर अक्षर ल, ल को लिखेंगे, फिर ल के बाद आ की मात्रा, ये क्या है, आ की मात्रा, आ की मात्रा को लिखेंगे, फिर है ब, अक्षर ब, तो हमने ब को भी लिख लिया, तो बन गया गुलाब, 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 गुलाब शब्द को हमने अलग अलग करके लिखा है, ठीक है, तो समझ आया बच्चों। चलिए दूसरा यहाँ पर दिया है, अक्षरों को ना से जोड़कर शब्द बनाओ, इससे पहले यहाँ पर एक दिया है चित्र का नाम लिखो, तो बच्चों यहाँ पर एक चित्र का नाम दिया है, वो नाम लेना थोड़ा गलत है, जैसे गुलाब, गुलाब से गुलाब दिया है, हम गुलाब करेंगे, तो कैसे करेंगे, छोटी उ की मात्रा को डालकर गुलाब करेंगे, तो पहला यहाँ पर दिया है गुलाब, पहला क्या दिया है, गुलाब दिया है, तो गुलाब कैसे लिखेंगे, गुलाब है ना, गुलाब बल के दिया है, गुलाब, गुलाब क्या है, गुलाब है, अब गुलाब को हम गुलाब करेंगे कैसे, अगर हम गा पर छोटे उ की मात्रा लगाए तो गु बनता है, फिर ला ग, ला गुलाब, गा पर छोटी उ की मात्रा गु, ला गुलाब, बन गया ना गुलाब, फिर है धनुष, धनुष पे यहाँ दिया है धनुष, धनुष दिया है, अब हमें धनुष करना है, कैसे करेंगे, ध पर उ की मात्रा लगाए तो धू होता है, धनुष होता है, ना पर उ की मात्रा लगाए तो नु, धनुष, ना पर लगाएंगे, ना पर छोटी उ की मात्रा नु, धनुष, ठीक है, गुलाब धनुष, ध, ध पर उ की मात्रा के ध, ना, ना पर उ की मात्रा नु, श, धनुष, ठीक है। तो चलिए ये हमने क्या किया है, गलत शब्दों पर सही शब्द बनाया है, ठीक है। तो चलिए फिर दूसरा यहाँ पर दिया है, अक्षरों को ना से जोड़ो और शब्द बनाओ, तो बच्चों यहाँ पर एक अक्षर ना दिया है, यहाँ पर अक्षर ना है, अब हमें क्या करना है, अक्षरों को ना से जोड़कर शब्द
सॉरी सॉरी ऐसे नहीं, ये पहला अक्षर है ना सर, स सु ना सुन सुन हियर लिसन, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं सुन, लिसन को हिंदी में क्या कहते हैं सुन, स नो सुन, धू ना धुन धुन, बू ना बुन बू ना बुन, ऐसे हम जोड़ेंगे। तो पहला दूसरा चौथा तीसरा चौथा, तो पहला क्या है स अक्षर स है, स पर छोटी ऊ की मात्रा, तो बन गया सु, सु प्लस ना सुन, सु ना बन गया एक शब्द सुन, ठीक है। फिर है धू ना धुन, इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे, धा पर छोटी ऊ की मात्रा धू ना धुन। फिर है बू अक्षर बू ना बुन, बू ना बुन, इन दोनों अक्षरों को हमने मिला लिया तो बन गया गुन। फिर है चौथा बू ना गुन, तो ये अक्षर बचा है, तो इस अक्षर और इस अक्षर को हम जोड़ेंगे, तो क्या बनता है बू ना गुन, बू ना बू ना गुन गुन, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि अक्षर अलग अलग थे, ना पर एक अक्षर था, हमने क्या किया इन अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाया, सही शब्द बनाया, जैसे सुन हियर धुन गुन गुन, ओके। इन सारे शब्दों को हमने इन अक्षरों को जोड़कर बनाया, ठीक है बच्चों, आपको समझ आया। तो ये है आपका लेसन छोटी ऊ की मात्रा, तो यहाँ पर थोड़ा दिया है एक चित्र देखकर वाक्य पूरा करो और वाक्य पूर्ण लिखो, तो यहाँ पर क्या दिया है फूल चुनकर ला डैश चुनकर ला, उत्तर डैश चुनकर ला है क्वेश्चन में, फूल चुनकर ला, तो उसके नीचे क्या मिसिंग है फूल, फूल लिखना है फूल चुनकर ला। फिर दिया है सुबह हुई पुजारी आया, सुबह हुई डैश आया, कौन आया पुजारी आया, पुजारी को हमें लिखना है, ठीक है। ये है छोटी ऊ की मात्रा से आने वाले सारा ग्रामर, सारे ग्रामर पॉइंट्स। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, मैं समझती हूँ आप सभी को समझ आ गया है छोटी ऊ की मात्रा से आने वाले व्यंजन अक्षर, आने वाले शब्द, आने वाले व्याकरण्स, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज आपका असाइनमेंट है यानी कि होमवर्क है, अक्षरों और अक्षरों सोचो अक्षरों को ना से जोड़ो और शब्द बनाओ, ना से जोड़ो और शब्द बनाओ, ना से जोड़ो और शब्द बनाओ। तो आपको यहाँ क्या करना है अक्षरों को ना से जोड़ो और शब्द बनाओ, यानी कि ना अक्षर ना से इन अक्षरों को जोड़कर अलग अलग शब्द बनाना है, जैसे मैंने अभी बनाया है, जैसे सु ना सुन, धू ना धुन, बू ना गुन, बू ना गुन। तो यहाँ पर उत्तर है, आप देख के भी लिख सकते हैं और बिना देख के भी होमवर्क कीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो
सभी बुक लेके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं समझती हूँ आप सभी को समझ आ गया है, राइट।